नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुशरफ सैयद। मैं घटाप्रभा से हूँ, गोकाक तालुक। और तो आज हम सावित्री बाई फूले जी के बारे में जानेंगे। सावित्री बाई फूले, देश में अगर कहीं पे भी जाके आप पूछेंगे सावित्री बाई फूले जी कौन हैं, तो सभी लोग बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो एक इंडिया की पहली महिला शिक्षकी थी, भारत की पहली महिला शिक्षकी थी सावित्री बाई फूले। इतनी बड़ी औरत हैं, उनका योगदान जो है भारत के लिए वो सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कार्य किया है, हम उनके बारे में आज जानेंगे। सावित्री बाई फूले जब 9 साल की थी, तब उनका विवाह ज्योतिबाई फूले, जो 12 साल के थे, तब उनके साथ उनका विवाह हो गया था। तो विवाह होने के बाद सावित्री बाई कुछ भी नहीं जानती थी कि पढ़ाई होती क्या है, एजुकेशन उनके दिमाग में नहीं था। सावित्री बाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 में सातारा जिले महाराष्ट्र में हुआ था। जब शादी होने के बाद ज्योतिबाई फूले जी ने उनको एजुकेट किया, यानी कि शिक्षण ज्योतिबाई फूले ने उनको दिया। जब सावित्री बाई फूले जी अच्छी तरह से शिक्षित हो गई, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ कार्य करने का सोचा और उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं महिलाओं के लिए बहुत सारी आज़ादी दिलाऊंगी और बहुत ज़्यादा उनको एजुकेट करूंगी, शिक्षित करूंगी। तो उन्होंने तभी एक स्कूल बना दिया लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए एक स्कूल बना दिया, जो कि इंडिया का सबसे पहला महिला विद्यालय था। तो उस विद्यालय में टीचर कोई नहीं था, यानी कि शिक्षण देने वाला कोई नहीं था, तो सावित्री बाई फूले जी खुद जाकर शिक्षण देती थी। तब ये जो वक्त था, ये जो टाइम था, ये बहुत ही कठिन था सावित्री बाई फूले जी के जीवन में। सावित्री बाई फूले जब स्कूल को जाती थी सिखाने के लिए क्या होता है दुनिया और क्या होती है विद्या, तो तब रास्ते में जो वो जाती थी, तो लोग वहाँ के जो लोग थे सतारा ज़िले के, उन्हें पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे और बुरी बुरी गालियाँ देते थे, जिसकी वजह से सावित्री बाई फूले जी के कपड़े गंदे हो जाते थे। इस वजह से वो और एक साड़ी अपने साथ लेकर जाती थी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रुकी नहीं, वो काम करती गई, काम करती गई और एक आज बहुत बड़ा नाम कमा के लाई है सावित्री बाई फूले जी। तो जब वो महिला विद्यालय बनने के बाद वो रुकी नहीं, उसको कंटिन्यू करते ही वो जो विधवाएं होती हैं उनके लिए भी एक आश्रम बनाया। विधवाओं के लिए रीमैरिज स्कीम शुरू की। रीमैरिज मतलब अभी विधवा है तो उसके साथ शादी नहीं करने का तब रूल था, उसको तोड़कर फिर से शादी करने का रूल सावित्री बाई फूले जी ने लाया। और जब उस वक्त पर महिला बच्चों को कत्ल किया जाता था, यानी कि उनको मार दिया जाता था, जो भी बच्चा पैदा होता है, लेडी बच्चा पैदा हो गया तो फीमेल बच्चा पैदा हो गया तो उसको मार दिया जाता था, उसको भी सावित्री बाई फूले जी ने ही रोका था। तो ये इतिहास अगर आप खोल के देखेंगे तो सावित्री बाई फूले जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। सावित्री बाई फूले का ऐसे ही कार्य आगे चलता रहा, वो रुकी नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज को शुरू किया। सत्यशोधक समाज क्या है? सत्यशोधक समाज एक ऐसा समाज है जो समाज को सिखाता है कि कैसे रहना है, लेडीज़ को कितनी वैल्यू देनी है और पुरुष को कितनी वैल्यू देनी है, महिलाओं को पुरुष को एक समान देखने का। ये सत्यशोधक समाज जो है बहुत ही उस टाइम पे फैल गया था। और उस वक्त पर 1854 में सावित्री बाई फूले जी ने 18 स्कूल बनाए थे पुणे में, जो आज भी देखे जा सकते हैं। 18 स्कूल बनने के बाद भी तब भी वो नहीं रुकी। पुणे में एक प्लेग बीमारी आ गई थी, बहुत ही बड़ी बीमारी, उसके अंदर भी उन्होंने योगदान दिया था। तो सावित्री बाई फूले को हम आज क्यों याद कर रहे हैं? ये एक कॉम्पिटिशन की तरफ से नहीं है, हमको ऐसे लोगों को हम बार बार याद करना चाहिए हमको, बिकॉज ऐसे लोगों से ही देश चलता है। और इस बात को रखने के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है श्री सतीश जारकीवाड़ी जी, जो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं और एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। अगर कर्नाटका में आप आएंगे तो पूरे भारत में इनका नाम आज मशहूर है, पूरे भारत में और पूरे कर्नाटका में इनका नाम मशहूर है। तो सतीश जारकीवाड़ी जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मानव बंधुत्व वेद के जो किया है, वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जो कि हम ऐसे महान
पुरुष के महान महिलाओं के बायोग्राफी आपके सामने ला सकते हैं। तो मैं सतीश जारकीहोली जी का बहुत ही बड़ा आभारी हूँ और सावित्री बाई फुले जी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ, बिकॉज उन्होंने जो देश के लिए किया है वो आज लेडीज़ जो भी आज शिक्षित हो रही हैं, जो भी लेडीज़ आज पढ़ाई कर रही हैं, वो सभी योगदान सावित्री बाई फुले जी का है। तो इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।